सुप्रभात बच्चों, आज हम संस्कृत रुचिरा का पाठ चतुर्थ पाठ हास्य बाल कवि सम्मेलन पढ़ने जा रहे हैं। विविध वेशभूषा आधारित चतवार बालक मंच ऊपरी उपस्थिता संति। अलग अलग वेशभूषा धारण किए हुए चार बालक मंच के ऊपर बैठे हुए हैं, अलग अलग वेशभूषा में कलरफुल। अध श्रोतार और नीचे, अध का मतलब होता है नीचे, श्रोतार यानी सुनने वाले, हास्य कविता श्रवणम। उत्सुकता संति कोलाहम च कुर्वन्ती, और बड़े उत्सुकता से नीचे बैठे हैं श्रोतागण और शोर कर रहे हैं और बड़े उत्सुक हैं कि कब ये कवि सम्मेलन शुरू हो। चार बालक कवि के रूप में यहाँ बैठे हैं और एक है यहाँ पर संचालक। अलम कोलाल, संचालक जब मंच पे आता है तो बोलते अलम यानी कोलाल, शांत हो जाओ, ये शोर बंद करो। अध परम हर्षस्य अवसरम यत अस्मिन् कवि सम्मेलनम काव्यांतरम कालाश्चम। हमें बड़ा हर्ष यानी प्रसन्नता होनी चाहिए कि आज हमें इस कवि सम्मेलन को सुनने का मौका मिल रहा है। हास्य विशुद्धर वसुंधराम समागता एही कवि सम्मेलनम कर ध्वनिता वयम एतेषां स्वागतम कुरुम। सब लोग तालियां बजा करके और उनका स्वागत करते हैं। सर्वेभ्यो रसिकेभ्यो नमो नमो, सबको नमस्कार। प्रथम वादतम अहम आधुनिकम वेदम, सबसे पहले आपके पास एक हास्य कविता सुनाने आपको बालक आ रहा है जो है वेद्य। उद्दिष्टम स्वीकीय काव्यम श्रवामी निवेदम वेदराज वेद। नमस्तुभ्ये, नमस्कार यमराज सहोदरय, यमराज भाई। यमस्तु हरति प्राणाम वेदम प्राणाम धवन्ति च। उच्चे सर्वे हसन्ति, सारे लोग उसकी आवाज़ सुन के हंसते हैं। बच्चों या कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। वृक्षस्य खगा वसन्ति, यहाँ पर वृक्ष पर खग यानी पक्षी निवास करते हैं। यहाँ पर कुछ आपको शब्द दिए गए हैं, उनको इन खाली स्थान में भरना है। शुद्ध चुनित पद, और यहाँ पर दूसरा प्रश्न है जिसमें से जो सही है उसे चुनिए, जैसे रामेण ग्रहेण सर्पेण गजेण। अब देखो यहाँ पर राम है व्यक्ति है, ग्रह कोई व्यक्ति नहीं है, सर्प एक सांप है जीवित है, गजेण गज यानी हाथी है, तो इसमें सबसे भिन्न कौन सा है, ग्रहेण। इस प्रकार एक अशुद्ध चुन करके आप आंसर देने का प्रयत्न कीजिए। धन्यवाद।